यस बच्चों, DLED फोर्थ सेम गेम बच्चों, आज मैं आपको पार्ट जो आपका 16 है हाँ जी, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने आपको वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि जब भी हम आपका मूल्यांकन का जो हमारा कार्य हो तो वह हमें कैसे करना चाहिए। मूल्यांकन से मतलब है कि जो भी पाठ्यवस्तु हमने बच्चों को बताई है या जो भी ज्ञान दिया है तो बच्चे उसमें से कितना सीख पाए हैं, यह हम जानकारी करने के लिए, पता लगाने के लिए यह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह है बालकों के मानसिक विकास से क्षमताओं व सीमाओं का पता लगाया जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि बालकों का जो बौद्धिक विकास है उस विकास की क्या क्या उसकी पावर है। अरे भैया तो अंधा बन गया, अरे वहां से आओ उधर से, तो ये वाले क्यों तो यहाँ पर हम बालकों की मानसिक विकास से जो भी आपकी क्षमताओं का हम पता लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बालकों को आपके शैक्षिक जो भी कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम बालक को अपनी शैक्षिक गतिविधियों के लिए हम उसको ज्ञान बता सकते हैं, दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि अध्यापक ही अध्यापक की आपकी सफलताओं का और अध्यापक की आपकी सीमाओं का भी ज्ञान न प्राप्त होता है कि मतलब प्राध्यापक ने जो ज्ञान दिया है वह कितने हद तक सफल हो पाया है। नंबर 4 कहता है कि शैक्षिक विधियों की उपयोगिता और कुशलता का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो वह कहता है कि जहाँ भी आपकी शैक्षिक जो विधियाँ हैं वह कितनी लाभदायक हैं और वह कितनी बालकों के लिए प्रेरणादायी हैं, यह भी हम उसके बारे में पता लगाते हैं। नंबर 5 है कि मूल्यांकन द्वारा छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि जब हम मूल्यांकन करें तो हमें यह मालूम पड़ता है कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है और हम उसी हिसाब से उस बालक को कार्य सौंप सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि आपकी शैक्षिक योजनाओं के पुनरावलोकन, पुनर्गठन व समुचित विकास की दृष्टि से मूल्यांकन बहुत उपयोगी है। तो मतलब जो भी जितनी भी बातें हमने बताई हैं उन सब बातों को एक बार पुनः उनको देखने के लिए भी मूल्यांकन का बहुत महत्व है। नंबर 7 है कि पाठ्यक्रम का परीक्षण किया जा सकता है कि हमने जो पाठ्यक्रम जो बच्चों के लिए बताया है, जो ज्ञान दिया है, जो हमने बनाया है वह कितना उनके लिए सही है। और पॉइंट नंबर 8 है कि मूल्यांकन अध्यापक एवं छात्रों का मार्गदर्शन दोनों को करने में सहायक है। अच्छा, आपकी आती है मूल्यांकन की विधियाँ कि हम मूल्यांकन को किन किन विधियों द्वारा जांचते हैं या उसको हम जो मिलाते हैं। तो पहली विधि है मौखिक परीक्षा विधि। यह विधि जो है परंपरागत है, मतलब बहुत ही और बहुत ही प्राचीन विधि है। यह विधि में प्राध्यापक आपका बालकों से मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी भी मौखिक रूप में ही प्रश्नों के कर देते हैं। और यह जो विधि है यह बहुत ही विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त विधि है, जिसके द्वारा विद्यार्थी के जो भी भाषा के जो समुचित जो सोपान हैं हमें उनके बारे में जानकारी होती है कि भाषा के कितने रूप हैं वह बच्चे को पता है या कि नहीं है। सेकंड आपका लिखित परीक्षा विधि। ये विधि में छात्रों में हम पेपर बना करके उन्हें प्रश्न पत्र सौंप देते हैं
और छात्र अपनी उस प्रश्न पत्र परीक्षा की जो कॉपी में अपने करके वो देते हैं, उत्तर देते हैं। और यह जानकारी के लिए हम बच्चों को कि बच्चे आपके लेखन में कितने ज़्यादा दक्ष हुए हैं यह भी हम जानकारी कर लेते हैं, और ये प्रवृत्ति में बालकों के व्यवहार में कितनी वो आई है, चेंजिंग आई है। और एक समय जो दिया गया था वो समय में बच्चे पाठ्यक्रम कितना सीख पाए हैं, तो यह सब कुछ जांचने के लिए भी हमको मूल्यांकन का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी है जो कि आपकी लिखित परीक्षा जो होती है वह भी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या है, यह आपकी बहुविकल्पीय जो प्रश्नों वाली परीक्षा होती है यह कहते हैं वस्तु परीक्षा। यहाँ पर क्या है कि पहले एक शॉर्ट आपको प्रश्न दिया जाता है और वही शॉर्ट प्रश्न से आपको संबंधित चार पांच आपको उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, और बालकों को जो सही विकल्प पर ध्यान देना पड़ता है। और जब वह सही विकल्प का पता लगा लेते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक या एक अंक दिए जाते हैं, और चाहे परीक्षक भी कितने भी हों और सभी परिस्थितियों में प्राप्त अंक समान ही आते हैं। मतलब कितने भी सारे परीक्षक कॉपी चेक करने वाले हों लेकिन सभी में उत्तर जो आएंगे वो एक जैसे ही आएंगे। इसमें प्रश्न जो होते हैं वो पूरी आपकी पुस्तक में से पूछे जाते हैं, और प्रश्नांकन आपका बहुत ही सिंपल होता है, और आप अपनी विश्वसनीयता और वैधता के आधार पर बच्चे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विधि है। वास्तविक परीक्षा में विधि में जो लिखित को विधियाँ अपनाई जाती हैं, सबसे पहली जो विधि होती है स्टोरी की पूर्ति, कहानी पूर्ति। यहाँ पर क्या है कि हम बच्चों को जगह छोड़ छोड़ कर एक स्टोरी देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इस स्टोरी में इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो, जो भी जवाब हो, वो आप उनको खाली स्थान पर भरें। नंबर दूसरी बात ये पुनःस्मरण परीक्षा कि आपने पहले जो पढ़ा है वह आपको कितना ध्यान रहा है। नंबर तीन पर आती है संबंध परीक्षा या पहचान परीक्षा कि आपने जो परीक्षा दे रहे हैं वह आपसे कितना संबंधित है और आप कितना अपने पाठ्यक्रम को पहचान पाते हैं। संबंध परीक्षा के भी बहुत सारे रूप हैं, वह पहला है बहुविकल्पीय परीक्षा। बहुविकल्पीय हम आपको बता दें चार उत्तर दिए जाएंगे, एक शॉर्ट प्रश्न होगा उसमें से आपको उत्तर ढूंढने हैं। बाद होता है जोड़े मिलाना, वह आपको दो साइड और बाद साइड में बता देगा कि ये मिलान कीजिए, है ना, पतंग का धागे से, है ना। तो ऐसे जोड़े मिलाने वाले जो है वो प्रश्न दिए जाते हैं, आपको बच्चों को जोड़े उसमें मिलाना पड़ता है। तीसरा है सत्य और सत्य परीक्षा, मतलब वहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और वह पूछा जाएगा ये वाक्य सही है या कि नहीं है, आपको वही वाक्य के सामने सत्य और सत्य पे आपको बताना है। और फिर आपका एक पॉइंट कहता है कि विश्वसनीय और वैध होने पर भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा विधि की जो लिखित दुर्बलता है, मतलब यह विधि बहुत ही विश्वास पात्र है, वैध है, मानी हुई है, लेकिन फिर भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बहुत सारी दोष हैं। पहला दोष क्या है कि इसमें निश्चित साधनों के प्रयोग की शंका बनी रहती है कि बच्चा इसमें से जो है वो विकल्पों के लिए कॉपी भी कर सकता है। नंबर टू, यह अधिक श्रम साध्य है, इसमें क्या है बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नंबर तीन, इसमें कक्ष निरीक्षकों को अपेक्षाकृत सावधान बना होना पड़ता है कि क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बच्चे एकदम किसी से आपस में ही पूछ सकते हैं कौन से का बी कौन से का आ। वस्तुनिष्ठ में जो भी आपके कॉपी परीक्षा के समय पर जो भी अध्यापक ड्यूटी दे रहे हैं यार उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर चार पर यह छात्रों की आत्मावृत्ति शक्ति और उसमें उसके भाषा के परिष्कार को नहीं जांच पाता कि इसमें जो है वह है जो छात्र हैं वह अपनी कौन सी आत्मा से क्या विरक्त करना चाहते हैं और वह उसकी भाषा शैली पर उसकी कितनी पकड़ है यह हम
बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से नहीं जान पाते, क्योंकि बच्चा जो प्रश्न का उत्तर होता है वही एक बार लिख देता है और उसका काम कर लिया जाता है। वही नंबर 5 है कि इसमें आपकी सफलता प्राप्ति में सहयोग की बड़ी भूमिका होती है। ये वाले में आप चाहो तो आप सफलता भी पा सकते हो, ना भी पढ़ा हो तो अगर आप चुपके मार आए और अब काम बन गया तो बन गया, इसमें क्या है ना, तो ये इसलिए भी दोषपूर्ण मानी जाती है। तीसरी विधि आपकी है वर्णनात्मक लिखित परीक्षा। ये विधि में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर विस्तृत होता है, बहुत ही विस्तृत करीब प्रश्न होते हैं, और ये मैं इसमें क्या होता है कि बालक को वर्णन करते हुए ही सभी प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं, और इन प्रश्नों द्वारा छात्रों की बोध सामर्थ्य, उनकी बौद्धिक ज्ञान, भाव की अभिव्यक्ति और साथ साथ छात्राओं के भाषाई ज्ञान एवं भाषाई कौशल आदि का भी मापन किया जाता है कि हम बच्चे का कितना भाषा का उसके बारे में सीख सका है, यह वह हम उसके बारे में जान जाते हैं। और निबंधात्मक प्रश्नों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ये प्रश्नों को आपको 150 से आपको 300 आपके शब्दों तक में आपको इसमें जवाब देना पड़ता है। दूसरा आता है लघु उत्तरी प्रश्न। ये वाले में आपका 30 से 60 वर्ड्स में आपके आपको प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। और सबसे सहजतम लघु उत्तरी प्रश्न, ये प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। और वर्णात्मक लिखित परीक्षा में भी कई सारी परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं। वह पहली है कि इस विधि में बालक का व्यवहार परिवर्तन और वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है कि बालक ने कितना उसके अंदर से सीखा और वह क्या क्या जानकारी पा पाया, ये वाले मूल्यांकन से हम समझ नहीं सकते। सेकंड है कि यह विश्वास नहीं है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर सीमित, निश्चित व निबंधात्मक होते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम प्रश्नों के 4-4, 5-5 पेज में हम उनके उत्तर देते हैं और बच्चा बीच में क्या कह रहा है ये हम नहीं जान पाते। नंबर 3, इसमें अंकन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमने इतना बड़ा प्रश्न दिया, अब हम 20 नंबर के प्रश्न में से बच्चों को कितने नंबर देना, 12 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, क्योंकि बहुविकल्प में तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपके अंकों का बंटवारा करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और नंबर 3 पर आती है प्रयोगात्मक परीक्षा, हम जिनको प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा में कहते हैं कि जिनमें परीक्षार्थियों को बहुत सारे प्रयोग करने को दिए जाते हैं और वे जैसी उन बच्चों की योग्यता होती है वैसे वो उसका काम करते हैं, और इन परीक्षाओं का आयोजन जो है प्रायोगिक विषयों में बालकों के कौशल के मापन के लिए किया जाता है कि बच्चे ने कितना प्रयोग द्वारा जितना सीख पाया है वह हम प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा सीखते हैं। और साथ ही साथ ये परीक्षाओं का बालकों का मूल्यांकन करना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता क्योंकि साथ ही यह विश्वसनीयता भी नहीं रहती क्योंकि अध्यापकों का भेदभाव बढ़ते जाने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रायोगात्मक परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थी प्राध्यापकों के बहुत ही प्रिय होते हैं तो प्राध्यापक उनको ज़्यादा मार्क्स देते हैं और दूसरे बच्चों को इतना मार्क्स नहीं देता, तो यहाँ पर भेदभाव की भी संभावना बनी रहती है। अच्छा, लिखित मूल्यांकन विधि का मूल्यांकन कि अगर हमारी जो हम लिखित परीक्षा की मूल्यांकन विधि को जांच रहे हैं तो हम कैसे उसको जांच पाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है कि लिखित परीक्षा या लिखित मूल्यांकन विधि के जो गुण हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है कि लिखित अभिव्यक्ति द्वारा मूल्यांकन कक्ष में विद्यालय परिसर या विद्यालय के बाहर कहीं भी किया जा सकता है, कि ये जो मूल्यांकन जो होता है ये आप विद्यालय में अपना कीजिए, अपना जो घर है वहाँ कॉपी ले जाइए और वहाँ के अलावा जहाँ जहाँ पर कॉपियाँ चेक होती हैं वहाँ भी जा कर के आप इसको काम को कर सकते हैं। नंबर 2 पर है लिखित परीक्षा विधि से बालकों के लेखन कौशल का मापन किया जाता है कि हम ये वाली विधि से बालकों की लेखन संबंधी जो योग्यताएं हैं वह कितनी विकसित हुई हैं यह भी हम जानते हैं। नंबर 3 पर है इसके द्वारा ध्वनि ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मुहावरों के ज्ञान, वाक्यों को बनाना कौशल तथा बर्तनी की विशुद्धता पर कार्य किया जाता है, मापा जाता है।
कि बच्चे की भाषा शैली कितनी अच्छी है, व्याकरण कितना उसका पक्ष मजबूत है, वाक्य उसने कैसे बनाए हैं, वर्तनी उसकी कितनी अच्छी है, ये सब जानकारी के लिए भी हमको मूल्यांकन विधि का सहारा लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 है कि मूल्यांकन विधि में बालकों का व्यवहार परिवर्तन निश्चित गतिविधि के लिए निश्चित अंकों का निर्धारण किया हुआ होता है, जिससे बालक का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। यहाँ पर एक हम आपको पर्टिकुलर आपको एक समय देते हैं और उस समय में ही आपको अपनी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना होता है और उन पाठ्यपुस्तकों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक सही टाइम पीरियड में बच्चों ने कितना सीखा यह बात हम जानकारी लगा पाते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि ये विधि से बालकों की विव्यक्ति विचारों और तार्किक संगठन, विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग आदि योग्यताओं का मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चा आपका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करता है, यह भी जानकारी हमको लिखित मूल्यांकन विधि के मूल्यांकन से प्राप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 है कि इसमें बालकों की वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, परिभाषात्मक, तुलनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन हो जाता है कि बालक में वर्णन करने की कितनी क्षमता है, व्याख्या करने की कितनी क्षमता है, विचार करने की कितनी क्षमता है, विश्लेषण कितने करने की कितनी क्षमता है, कंपेरिजन कवर करने की कितनी क्षमता है, दोषों को जानने की कितनी क्षमता है, ये सब बातों जानने के लिए हमें मूल्यांकन का सहारा लेना पड़ता है। और नंबर 7 पर है कि मूल्यांकन विधि से बालकों की भाषा शैली, लेखन शैली और उनके सुंदर लेख का भी जांच हमको हो जाती है, हम जान जाते हैं। अतः भाषा मूल्यांकन के लिए मौखिक मूल्यांकन के साथ साथ लिखित मूल्यांकन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो उद्देश्य है छात्रों को हिंदी भाषा को बोलने, पढ़ने और अपने लिखने की योग्यता देना, और इसी दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर मौखिक और लिखित मूल्यांकन विधियों का आयोजन करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम इन सब बातों के सहारे ही मूल्यांकन को जान सकते हैं। अच्छा, ये वाले पार्ट नंबर आपका जो है 16 में केवल एक ही बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, वह बहुविकल्पी प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, लिखित परीक्षा विधि, प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, मौखिक परीक्षा विधि और वार्षिक परीक्षा विधि। तो ये वाले का उत्तर है मौखिक परीक्षा विधि प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी और उत्तम विधि मानी जाती है। तो आज ये आपका पार्ट नंबर जो है 16 आज संपूर्ण होता है। कल हम आपको सोमवार को पार्ट नंबर 17 बताएंगे, पाठ्यक्रम में भाषाओं का स्थान। तब तक आप अपना जो घर है उसमें रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें और अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपसे इजाज़त मांगता हूँ बच्चों। धन्यवाद, आपका आभार। आपका